दोस्तों, जैसा कि आज 26 जनवरी 2023 है और अभी तो नया साल बीता है और आज तो 26 जनवरी है और आज के दिन हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इसका मनाने का रीज़न क्या है, जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। क्यों बच्चों, पता है? प्रतिवर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो कि संविधान जो बनाए थे उनका नाम था भीमराव अम्बेडकर जी थे, संविधान बनाए थे। और संविधान वो चीज़ होती है जिससे नियम कानून चलता है, जैसे कोई भी काम होता है उसमें वो सब संविधान में लिखा रहता है। जैसे पुलिस का क्या काम है और हर सब किसी का, हमारा लोग का क्या अधिकार है, हर चीज़ें संविधान में रहता है, तो सारी व्यवस्थाएं संविधान से चलती है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस समय अपने प्रयागराज के अंदामा झूसी में हैं और जो जिस संस्थान द्वारा हम लोगों को बुलाया गया है, नाम है श्री कृष्ण संस्कार शाला, विश्व हिंदू परिषद सेवा समिति द्वारा हम लोगों को बुलाया गया है। और बच्चों का हम लोग प्यार मिला, हम लोग आए यहाँ पे बच्चों के, तो यही देखिए सब बच्चे हैं और अभी बच्चे प्रदर्शन भी किए हैं, तो उसको हम वीडियो में दिखाएंगे, बच्चों का प्रदर्शन भी। और बच्चों कैसे हो, ठीक ठाक हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बोलो। अच्छा, पूरा नाम बोलो। अंजलि कुमारी देवी। अच्छा, आपका? आराध्या कुमारी देवी। आपका बेटा? आपका क्या नाम? विमल बिंद। आपका बेटा? अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका? 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 तो दोस्तों, सभी बच्चों से हम लोग बात भी कर लिए और बच्चों के लिए हम लोग कुछ ले आए, पुरस्कृत भी करेंगे, पेन वगैरह हुआ, कॉपी वगैरह, सब जो भी हमारे लोग के पास है छोटा मोटा। अभी तो स्टार्टिंग हम लोग किए हैं, बाकी ऐसे हम लोगों को ऐसे धीरे धीरे आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हमारे लोग का यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा, और चलिए प्रयास हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हम लोग लेके आए हैं, तो लाइए सर, बच्चों को वितरण किया जाए। और दोस्तों, जो कि यह कॉपी है और पेंसिल है और कटर भी हम लोग लेके आए हैं, और देख लीजिए। और बिस्किट भी है और चॉकलेट वगैरह है, जो भी है लोग हम लोगों के पास था, तो हम लोग आए। सर लोगों का प्यार रहा, सर लोगों ने हम लोगों को बुलाया, बहुत अच्छा लगा। मैम भी हैं। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? जया सिंह गुप्ता। अच्छा, आप कामता गर्ल्स पीजी कॉलेज में लाइब्रेरियन में हैं। ये मैम कामता गर्ल्स डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरियन हैं और यहाँ पे भी बच्चों को फ्री सेवा दे रही हैं, निःशुल्क देती हैं। क्यों मैम? बिल्कुल दे रहे हैं। यहाँ हम लोग संस्कार शाला चलाते हैं, यहाँ पे गरीब ग्रामीण बच्चों को, हम लोग बस्ती के बच्चों को, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं, संस्कार सिखाते हैं कि हमारे समाज में बच्चों को किस तरह रहना चाहिए। तो मैम, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और समाज सेवा है। हर किसी बच्चों का प्रथम चरण माता पिता होते हैं, उसके बाद टीचर ही होते हैं। टीचर गुरु का आधार, तो गुरु का होता है स्वरूप, लेकिन आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसा टीचर के अलावा और कोई ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता, माता पिता और टीचर जी। बाकी बहुत अच्छा लगा मैम। तो बच्चों को बुलाइए फिर। एक इसमें से एक एक निकाल रहे हैं भैया, आप जो है देते रहिए बच्चों को। हाँ, आ जाइए, आ रही हूँ, अब देते रहिए, अब लेख देते रहिए, हम इसको निकाल दे रहे हैं। पहले एक कम से क्या बांट देते हैं। अच्छा, एक एक करके चीज बांट दिए तो। हाँ, एक एक चीज बांट, आप दीजिए, हम भी थमा देंगे इसमें से। जी बेटा,
लीजिए बेटा, तीनों लोग ले लीजिए। और ये सब अब भी बांट दीजिए। बांट रहे हैं, पेंसिल बांट दिए हैं। हाँ बांट दिए हैं। हो जाए तो ले लो बेटा। अच्छा सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। हो गया। तो बच्चों कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप लोग पढ़ेंगे ना? क्या क्या बनेंगे आप लोग? अच्छा, और आप लोग क्या बनेंगे? अच्छा हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। अच्छा फौजी बनेंगे। आप क्या बनेंगे? तो सब लोग अच्छे से पढ़िए। बाकी मैम लोग हैं, सर लोग हैं, आप लोगों का सहयोग कर ही रहे हैं। और बाकी हम भी अभी धीरे धीरे अभी शुरुआत किए हैं, अभी आगे हम और कुछ करेंगे। और जो कि हम भी दिलीप इलाहाबाद ब्लॉग, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो आपका आएगा दिलीप इलाहाबाद ब्लॉग करके है। क्योंकि मैं बच्चों के बीच में जाता रहता हूँ जगह जगह, तो बाकी बच्चों ठीक है। जय हिंद। एक बार जय हिंद।